वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्यूब ऑफ ए नंबर विद फार्मूले से करेंगे। फार्मूला हमारा क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और ये फार्मूला किस तरह आया है ये यहाँ आपको समझा दिया है, ठीक है। इस फार्मूले में हम देखते हैं कि ए की पावर जो है वो यहाँ डिक्रीज होती चली जा रही है और बी की पावर जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है, तो फार्मूला याद करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्टकट मेथड से क्यूब निकालना भी सिखाएंगे बट विदाउट फार्मूला। तो 17 का होल क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फार्मूला लिख लेंगे, ठीक है। फिर 17 को हम ब्रेक डाउन करेंगे किसमें, 10 प्लस 7, तो ए हो गया हमारा 10 और बी हो गया 7। अब ये चार जो स्टेप हैं इनमें वैल्यू पुट करते चले जाएंगे ए और बी की। ए क्यूब 10 का क्यूब वैल्यू यहाँ लिख दी मल्टीप्लिकेशन की, 3 ए स्क्वायर बी वैल्यू निकाली और यहाँ लिख दी। थर्ड स्टेप में 3 ए बी स्क्वायर वैल्यू पुट की और मल्टीप्लिकेशन किया तो मल्टीप्लिकेशन से ये वैल्यू आती है। फोर्थ स्टेप में बी क्यूब बी की वैल्यू पुट की और मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ जाती है। इसके बाद इनको सम अप कर दिया तो हमारे पास 17 के होल क्यूब की वैल्यू 4913 आ जाती है। हमें 99 का क्यूब निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 99 को ब्रेक किया 90 प्लस ए, तो ए कितना हो गया 90 और बी हो गया 9। अब ए क्यूब की वैल्यू कितनी हुई, 90 का क्यूब सॉल्व किया आ गया। सेकेंड स्टेप में 3 ए स्क्वायर बी में ए और बी की वैल्यू पुट की और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और जो वैल्यू आई वो यहाँ लिख ली। थर्ड स्टेप में 3 ए बी स्क्वायर वैल्यू ए और बी की पुट की, इन्हें मल्टीप्लाई किया और जो वैल्यू आई उसको यहाँ लिख लिया। फोर्थ स्टेप में बी की वैल्यू पुट की और इसको का क्यूब निकाला तो कितना आ गया 729। अब इन सबको हमने ऐड अप कर लिया तो हमारे पास 99 के होल क्यूब की वैल्यू आ गई। लेकिन इसमें आप यह नोट कीजिए कि फर्स्ट और फोर्थ स्टेप में डिजिट, तीन डिजिट सेम आ रही हैं, सेकंड और थर्ड में फाइव डिजिट 1 2 3 4 5 डिजिट जो सेम आ रही हैं, 21870 और 2187 मीन्स रिपीटेशन हो रहा है, तो इस तरह हम जल्दी से कर सकते हैं। तो हमारे ख्याल से आपको क्यूब निकालना आ गया होगा, तो आपको ये सम देते हैं, ट्राई कीजिए और निकालने की कोशिश करिए। हाँ, तो अब क्या करना है, अपने आंसर चेक कीजिए फटाफट, देखिए किस बच्चे की कहीं मिस्टेक है तो यहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ पर उन्होंने गलती की है। शुरू में हो सकता है कि आप लोगों से छोटी सी कोई गलती हो गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सम करना नहीं आता या आपको समझ ही नहीं आया। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन आप ही मास्टर बन जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।